Hello students, in the last videos we have studied about the KVL, KCL, mesh and nodal. Okay, but before starting the numericals of KVL, KCL, we will just study one more concept, that is star delta configuration, or you can say pi and T configuration. How to convert pi network into T network and how to convert T network into pi network. Okay, so first, we will study what is pi network and what is T network. What is star network? What is delta network? Okay. So, अब अगर मैं यहाँ पर एक network draw करूँ, this is your delta network. Okay. And this is your star network. Now, suppose करो यहाँ मैं resistors की values दे देता हूँ, R, X, R Y and R Z. This is R 1, R 2 and R 3. Okay. Now, ये जो आपका delta network है, इसको मैं एक और तरीके से draw कर सकता हूँ, like pi network. This is R X, this is R Y and this is R Z. और जो आपका star network है, this is just like T network, okay? R1, R2 and R3, okay? So basically हमें करना क्या है? Pi to T convert करना है and T to Pi convert करना है. पर हमें convert करना क्यों है? ये बहुत important point है. हमें convert इसलिए करना है, बहुत सारे numericals में जब कभी इस तरह का shape आता है और numerical solve नहीं हो पा रहा होता है, तो जब हम इसे इस तरह के शेप को टी शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, या जब कभी न्यूमेरिकल में टी शेप होता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो हम इसे पाई शेप में कन्वर्ट करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशली जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकाल रहे होते हैं तो उन तरह के क्वेश्चन में ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे पाई टू टी कन्वर्जन, कैसे हम लोग पाई नेटवर्क से टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं. पाई टू टी कन्वर्जन का मीनिंग क्या होगा कि हम लोगों को क्या क्या गिवन होगा. पाई नेटवर्क गिवन होगा, दैट इज हम लोग को आर एक्स पता होगा, आर वाई पता होगा एंड आर जेड पता होगा. ठीक है, और हम लोगों को कैलकुलेट क्या क्या करना होगा, आर वन, आर टू एंड आर थ्री. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर वन. देखो ये जो फॉर्मुलेज हैं आपके, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं इस फर्स्ट टाइम में, सो आपको वाया लॉजिक इसे दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में इन फॉर्मुलेज के आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, इट विल टेक हाफ एन आवर. ओके, एग्जाम में आपको ये फॉर्मुले डायरेक्ट अप्लाई करने आने चाहिए, तो बाय लॉजिक आपको इन फॉर्मुलेज को याद रखना होगा. ओके, सो आर वन क्या होता है आपका, आर वन होगा आपका आर एक्स इंटू आर वाई, मीन्स आर वन क्या था यहां पर, फर्स्ट रजिस्टर था, सो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो क्या हो जाएगा आपका आर एक्स इंटू आर वाई डिवाइड बाय टोटल आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड. ओके, नाउ आर टू क्या हो जाएगा आपका, आर टू क्या होता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड, सो आर एक्स इंटू आर जेड डिवाइड बाय आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड. और आर थ्री क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज आर वाई आर जेड, अगेन डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड. ओके, तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपको सिर्फ न्यूमरेटर ही दिमाग में रखना है, डिनोमिनेटर तीनों के केस में क्या है आपका, सेम है. सो आर वन के केस में क्या है आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड, R2 के केस में क्या है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड, और R3 के केस में क्या है आपका, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली इजी कन्वर्जन आते हैं, इतना टफ कैलकुलेशन आपको नहीं करना होता एग्जाम में, तो वो पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा. सपोज करिए आर एक्स इक्वल टू आर वाई इक्वल टू आर जेड है, और वो सपोज करिए आपका आर के इक्वल है. ओके, तो उस केस पे हमें क्या समझना है,
कि आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आर एक्स आर वाई आर जेड सभी किसके इक्वल है, आर के, तो ये कितना हो जाएगा, आर वन आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा ये आपका, आर वन किसके इक्वल हो गया, आर बाय थ्री के। आर टू क्या हो जाएगा, अगेन आर स्क्वायर आर प्लस आर, सेम आपका आर थ्री भी हो जाएगा। तो सभी के सभी किसके इक्वल हैं आपके, आर बाय थ्री के, दिस वैल्यू के इक्वल हो जाएंगे सारे के सारे। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर पाई नेटवर्क में तीनों रजिस्टेंस आपके सेम वैल्यू के हैं, तो टी नेटवर्क में जो तीनों रजिस्टर्स आपके होंगे वो आपके वन बाई थ्री होंगे ऑफ पाई नेटवर्क रजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है ना। मतलब यहां पर आपको फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट टी नेटवर्क रेजिस्टेंस जो पाई नेटवर्क के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में 1/3 टाइम्स होते हैं। बस आपकी कंडीशन क्या है, पाई और टी नेटवर्क में रेजिस्टेंस वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, नाउ इफ आई कंसीडर नेक्स्ट वन, दैट इज टी टू पाई। टी टू पाई कन्वर्जन में क्या इंपॉर्टेंट है, मान लिया हमें क्या पता होना चाहिए, टी नेटवर्क के रेजिस्टेंस मतलब आर वन आर टू एंड आर थ्री। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना होगा, आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे पिछले केस में क्या था आपका, डिनोमिनेटर सेम था, यहां पर क्या सेम होता है आपका, न्यूमरेटर। तो आर एक्स में क्या होगा, आपका जो आर वन आर टू आर थ्री है ना, वो तीनों रेजिस्टेंस आपके न्यूमरेटर में दो दो के मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, लाइक आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। ओके, तो कितना हो जाएगा, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन डिवाइड बाय, जैसे आप सपोज करिए आप आर एक्स निकालना चाहते हैं जो फर्स्ट रजिस्टर है, तो आप अपोजिट आर थ्री से डिवाइड करेंगे लास्ट रजिस्टर से, तो कितना हो जाएगा हमारा आर थ्री। अगेन आर वाई में भी डिनोमिनेटर आपका चेंज होगा और न्यूमरेटर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आर वन आर टू आर टू आर थ्री आर थ्री आर वन। ओके, तो यहां पर आपका आर वाई क्या है, आपका मिडिल रजिस्टर है, इसका अपोजिट भी मिडिल ही होगा, तो आप आर टू से डिवाइड कर देंगे यहां पर। देन अगेन आर जेड में न्यूमरेटर विल रिमेन सेम, आर वन आर टू आर टू आर थ्री एंड आर थ्री आर वन। एंड जो आपका डिनोमिनेटर है आर जेड क्या है, आपका लास्ट रजिस्टर है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे, आर वन से। ओके, सो यहां पर जो आपका आर एक्स आर वाई एंड आर जेड है, उसके फॉर्मूले में भी अगर हम एक चीज ट्राई करें कि हमने जो इक्विवेलेंट टी नेटवर्क था उसके रजिस्टर्स की वैल्यू अगर सेम ले लें, आर वन आर टू आर थ्री इज इक्वल टू आर, तो आर एक्स कितना हो जाएगा हम लोग का, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, कितना हो जाएगा आपका आर एक्स थ्री आर। आर वाई कितना हो जाएगा हमारा, अगेन सेम फॉर्मूला थ्री आर। आर जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, थ्री आर। सो इसकी मीनिंग क्या है कि अगर टी नेटवर्क में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपकी सेम हैं, तो पाई नेटवर्क में भी सेम होगी और थ्री टाइम्स होगी। लास्ट टाइम क्या था हमारा कि अगर पाई नेटवर्क में सभी रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम है तो टी नेटवर्क में भी सेम होगी, लेकिन 1/3 टाइम्स होंगी। तो दोनों ही कंक्लूजन से हम क्या फाइनली कंक्लूजन दे सकते हैं कि इक्विवेलेंट जो पाई नेटवर्क के रेजिस्टेंस होंगे वो टी नेटवर्क के कंपैरिजन में थ्री टाइम्स होंगे। दोनों में रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी, लाइक आर एक्स आर वाई आर जेड सेम होगा और आर वन आर टू आर थ्री भी क्या होगा आपका, सेम होगा। देन थ्री टाइम्स होगा आपका पाई नेटवर्क के रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू टी नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस। ओके, नाउ अब इस पूरे टेक्निक का यूज कहां पर है आपका, ठीक है। हम एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर करते हैं कि पाई टू टी या टी टू पाई का आपका यूज कहां पर होगा, ठीक है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। तो यहां पर ये हमारा एक कॉन्फिगरेशन है। ओके, अब हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस एक्स एंड एक्स डैश एंड दिस पॉइंट इज सपोज वाई एंड वाई डैश। रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मैं ले लेता हूं, उसके पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से
कि ये जो सर्किट है, क्या हमने पहला है सर्किट कभी देखा है? यस, हम लोगों ने जब लास्ट वीडियोस में प्रॉब्लम्स ऑन रजिस्टर्स देखा था तो मैंने इक्विवेलेंट रजिस्टेंस में ये एक क्वेश्चन कराया था आपको, जहां पर मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी आपको ये ऐसा क्रॉसिंग वाला सर्किट दिखाई दे, इसका मतलब वो कौन सा सर्किट है आपका? ब्रिज सर्किट है। मैंने आपको वो सर्किट ड्रॉ करके दिखाया था, आपको याद होगा। देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ होता था हमारा सर्किट। ओके, सो बाहर के पॉइंट्स को क्या कहना है हमें? एक्स एंड एक्स डैश। अंदर वाले पॉइंट्स क्या है हमारे? वाई एंड वाई डैश। ठीक है ना? ओके, तो जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पर मैंने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इस तरह से ली थी कि सपोज करिए अगर ये आपका आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है और ये आर फोर है। तो जब मैंने लास्ट केस पे एग्जांपल लिया था, मैंने लिया था कि आर टू अपॉन आर वन इक्वल हो रहा था आपका आर फोर अपॉन आर थ्री के, जिसके कारण से जो वाई और वाई डैश के बीच जो रजिस्टर्स कनेक्टेड था वो आपका नेग्लेक्ट हो गया था, उसका अफेक्ट आपका खत्म हो गया था एज ब्रिज इज बैलेंस्ड, क्योंकि आपका ब्रिज क्या था? बैलेंस था। ठीक है ना? जब भी आपका आर टू अपॉन आर वन इक्वल हो आर फोर अपॉन आर थ्री के तो आपका ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है, यहां पर आपका आर वन क्या है एक्चुअल में? एक्स और वाई के बीच का रजिस्टर है, ये रजिस्टर है आपका आर वन। ठीक है, आर टू क्या है आपका? एक्स और वाई डैश के बीच में, एक्स और वाई डैश, ये रजिस्टर है आपका आर टू। सेम आर थ्री और आर फोर है आपके। ओके, तो हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट उस टाइम हमने ब्रिज को बैलेंस करवा दिया था। सपोज करिए अगर इस तरह के क्वेश्चन में कभी ब्रिज बैलेंस ना हो तब क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है ना? सपोज करिए इस तरह के क्वेश्चन में मैं यहां पर R1 जो है, जो कि किसके किसके बीच में है? X और Y के बीच में है, उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 ओम। ओके, जो R2 है वो किसके बीच में है आपका? X और Y डैश के बीच में है, X और Y डैश के बीच में है, उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं 1 ओम। ठीक है ना? जो आपका R3 है वो Y और X डैश के बीच में है, ओके, उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं अगेन 1 ओम। अब जो आपका R4 है, R4 है वो Y डैश और X डैश के बीच में है, उसकी वैल्यू अगेन मैं कितनी ले रहा हूं? 1 ओम। ओके, और जो आपका Y और Y डैश के बीच में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मैं ले रहा हूं यहां पर 1 ओम। ओके, तो अब आप अगर यहां कैलकुलेट करें तो R2 अपॉन R1 कितना हो रहा है आपका? 0.5 ओम। R4 अपॉन R3 कितना हो रहा है आपका? 1 ओम। तो यहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपका ब्रिज क्या है? बैलेंस पे नहीं है। तो आपका ये Y और Y डैश के बीच पे जो रजिस्टर है 1 ओम का, वो आपका नेग्लेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आप इसके अक्रॉस जो R कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां से आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तब हमें यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं स्टार डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। कैसे? अगर आप देखें आपको ऊपर भी पाई नेटवर्क दिख रहा है, नीचे भी आपको पाई नेटवर्क दिख रहा है, आप चाहें तो किसी भी एक पाई नेटवर्क को आप टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना? जब भी आपको प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में और अगर आपको पाई नेटवर्क दिख रहा है जैसा मैंने आपको थ्योरी में कहा था, तो आप उसे क्या करिए? टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो यहां पर क्या होगा आपका? सपोज करिए इस तरह से कुछ बन जाएगा फिगर आपका। मैं नीचे वाले पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके, तो आपका फिगर कुछ ऐसा होगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ नीचे वाले पाई की जगह आपको टी बना देना है। ठीक है ना? अब उसकी जो वैल्यूज है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर पाई नेटवर्क के हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो तो आपको फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। टी नेटवर्क के हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 टाइम्स। तो यहां पर कितनी है वैल्यू हर एक रेजिस्टर की? 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 ओम, 1/3 ओम एंड 1/3 ओम। ओके, सो यहां पर आंसर होगा 1/3 ओम, 1/3 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 1/3 ओम। ऊपर के रेजिस्टेंस वैल्यू क्या क्या थी आपकी? आर वन आपका 2 ओम था, आर टू आपका 1 ओम था। हम यहां पर पुट कर सकते हैं 2 ओम एंड 1 ओम। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहां से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहां पर कि दिस 1 एंड 1/3 किसमें है आपका? सीरीज में। दिस 2 एंड 1/3 आल्सो इन सीरीज। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? 2 प्लस 1/3 हो जाएगा एंड 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, एंड पूरा कॉम्बिनेशन 2 प्लस 1/3 का एंड 1 प्लस 1/3 का किसमें होगा आपका? पैरेलल में होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3 पैरेलल विथ
1 प्लस 1 बाई 3, ओके। और ये आपका जो पूरा कॉम्बिनेशन आएगा ये आपका 1 बाई 3 के साथ किसमें होगा, सीरीज में, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 बाई 3, तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आ जाएगा, ओके। सो इस तरह से जब भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप बड़ा बड़ा शॉर्ट सर्किट ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट भी ना दिखाई दे रहा हो तो एक और तरीका है सॉल्व करने का कि अगर आपको स्टार डेल्टा में से कोई एक दिखाई दे रहा हो तो आप उसको दूसरे में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर है यहां पर अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हमें स्टार डेल्टा कॉन्फिग्रेशन का यूज कर सकते हैं, तो हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह से हम स्टार डेल्टा कॉन्फिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट होता है स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है या डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू।